एक प्रयास मंच के द्वारा जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मैट्रिक परीक्षा से पहले शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी निर्माण के लिए काटी गई सड़क और नाला निर्माण को पूरा करने और परीक्षा केंद्र के पास एक चलंत शौचालय पानी की व्यवस्था की मांग की गई। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि 15 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने वाली है और इन बच्चों को परेशानी ना हो, इसलिए इसकी सही व्यवस्था की जाए। आज मैंने अपने सर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी महोदय से एक ज्ञापन सौंप कर एक मांग की है। मांग ये की है कि अभी अपने सर मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी निर्माण के नाम पर जगह जगह सड़कें काटी जा रही है, नाला के निर्माण हो रहा है और ये सब काम समय पे नहीं होने के कारण लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। खासकर अभी कुछ दिन पहले इंटर की परीक्षा थी, बच्चे अपने शहर में आए थे, परीक्षा देने के लिए आए थे और खुले नाला होने की वजह से, जगह जगह सड़क कटे होने की वजह से कुछ बच्चे चोटिल भी हो गए थे और कुछ बच्चे जाम में फंसने के कारण समय पर केंद्र पर नहीं पहुंच पाए तो उनका परीक्षा छूट गया, जो कि बहुत दुखद है। और साथ ही जो बच्चे आए थे, उनके परिजन आए थे, उनको केंद्र के बाहर वैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, चाहे वो पानी का हो चाहे शौचालय का हो, उसे काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। इसी के लेकर आज मैंने अपने शहर के जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जो भी अपने शहर में स्मार्ट सिटी में जो काम चल रहा है, अभी जो मुख्य परीक्षा केंद्र के आसपास जो भी मुख्य सड़कें वहाँ पर जो काम चल रहा है, वो जो भी सड़कें कटी हुई है, नाला खुला हुआ है, उनको फिलहाल उसको बंद किया जाए या कोई ऐसा किया जाए ताकि बच्चे जाम में ना फंसे और बच्चे सही समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे और बच्चे का परीक्षा ना छूटे। और दूसरा ये है कि परीक्षा केंद्र के आसपास एक चलत शौचालय और पानी की व्यवस्था किया जाए ताकि जो बच्चे के गार्जियन आ रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं और खासकर महिला और छात्रों के लिए शौचालय के लिए काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वो ना करना पड़े। इसके लिए मैंने मांग की है कि परीक्षा केंद्र के आसपास एक पानी की व्यवस्था किया जाए और चलत शौचालय की व्यवस्था किया जाए ताकि बच्चे उनके परिवार को किसी प्रकार कोई कठिनाई का सामना करना ना पड़े। और साथ ही मैं और संजय उन परीक्षार्थियों से यह कहना चाहूँगा कि आप एग्जाम से पहले कम से कम एक घंटा पहले ही निकले ताकि आप सही समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुँचे और ताकि आपका परीक्षा केंद्र पर पहुँचे और अपना परीक्षा दे, परीक्षा छूटे ना।